भाई बोला आपने तो समझ लो है। नहीं अस्सलाम वालेकुम, संगे लखनऊ पे आवाज दर्जी। ओके था क्लास स्टार्ट को। प्रेजेंटिंग स्टार्ट को काइंडली था सोचे का ने प्रेजेंटिंग मस्ट स्टार्ट को इसे रिकॉर्डिंग थे का ने डिस्टर्ब की ना। जमा स्क्रीन तक तखकारी लेक्चर स्टार्ट करो। काइंडली यो 2 मिनट अल्ले वेट हो कोई बिजली लाड अज़ा बिजली लगा रहा पड़ेगा तुम काइंडली 2 मिनट वेट हो कोई।
हेलो, आवाज दर्जी लगा लो। हेलो, साहब सर जी आवाज रही खबर बराबर। आवाज दर्जी, यस सर आवाज रही। लेक्चर स्टार्ट करो। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डैम्स। तो हमारे पास डैम्स के जो है क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे एनवायरमेंट के ऊपर जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डैम में हमारे पास जो टॉपिक्स है जिनको हम पढ़ेंगे उसमें है, फर्स्ट वन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अगला है डाउनस्ट्रीम एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज इन ब्लू रिजिम, साथ ही साथ इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रैपिंग सेडिमेंट्स एंड ड्यूशन बिहाइंड द डैम, ब्लॉकिंग माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड लाइवलीहुड। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में ये हम सारे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज डैम एंड सब्सिक्वेंट इनंडेशन ऑफ द रिजर्वायर आर इफेक्टिवली किल्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड फॉरेस्ट एंड डिस्प्लेस्ड एनिमल्स। जब भी हम कोई स्टोरेज डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो सराउंडिंग में उसके साथ जो इलाकाई पौधे वगैरह जंगलात वगैरह होते हैं या एनिमल जो होते हैं तो वो हाईली जो है उससे इफेक्ट होते हैं। एज मैनी स्पीशीज प्रेफर वैली बॉटम, लार्ज स्केल एम्पाउंडमेंट में इलिमिनेट यूनिक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड इफेक्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। नॉर्मली बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो प्रेफर करती है कि वो वैली जो रिवर है उसके अंदर जो है वो मूव करे टूवर्ड्स डाउन साइड या बॉटम साइड ऊपर। लेकिन जब हम लार्ज स्केल के ऊपर जो है इम्पाउंडिंग करते हैं, मीन जब हम डैम बनाते हैं और स्टोरेज करते हैं, तो उस वजह से जो इनका जो यूनिक बिहेवियर होता है तो वो जो है इलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो नस्ल या अफजाइश है तो वो ख़तरे में जो है पड़ जाती है। एफर्ट्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑन फ्यूना हैव मेट विद अ लिटिल सक्सेस। और इन इम्पैक्ट्स को जो इम्पैक्ट्स है एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर डैम्स की वजह से, इनको जो है कम करने के लिए कुछ ना कुछ जो है कोशिश की गई है। एन अल्टरनेटिव टू मिटिगेशन इज अ कंपनसेटरी प्रोजेक्ट अप्रोच। और इसमें जो है हम इसको जो है कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव जो है जो अल्टरनेटिव के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट अप्रोच हो तो इसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे पास जब भी हम कोई डैम वगैरह या इम्पोर्टिंग जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जिन जिन चीज़ों को फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं फॉरेस्ट वगैरह है जो कि जिस तबाह हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको जो है हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अराउंड द वर्ल्ड देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट फॉरेस्ट फ्लडेड बाय रिजर्वायर मस्ट बी रिप्लांटेड एल्सवेयर। कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जिस जगह पे हम कोई डैम वगैरह बना रहे या रिजर्वायर बना रहे तो उस जगह पे जो है अगर आपके पास कोई फॉरेस्ट वगैरह है जो रिजर्वायर वाटर की वजह से ख़त्म हो गया है तो आप उसको किसी और जगह पे जो है रिप्लांट करें, यानी वहाँ वही फॉरेस्ट जो है आप कोशिश करें किसी और जगह पे जो है उसको रिप्लांट करें। हाउ एवर इट इज़ फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉरेस्ट हैज टिपिकली बीन प्लांटेड एंड इवन दिस इज फुली मैनेज। लेकिन आमतौर पर जो है ये देखा गया है कि बहुत कम मिकदार में जो है ऐसा किया जाता है कि जो है एक जहाँ अगर एक जगह पे फॉरेस्ट है और वहाँ पर आप डैम बना रहे हैं
तो आप उसको जो है किसी और जगह पे कम चेक करें तो बहुत कम जो है क्वांटिटी में या बहुत कम मिकदार में जो है उसको कंपनसेट किया जाता है, और उसमें भी उसको जो है पुअरली जो है मैनेज किया जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास जो फॉरेस्ट वगैरह है, प्लांट्स वगैरह है, तो आप जब भी कोई डैम वगैरह बनाते हैं उसकी वजह से अगर वो जो है खराब हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं उसकी वजह से। तो ये हमारे पास है टेरेस्ट्रियल यानी कि इलाकाई इकोसिस्टम के ऊपर जो है जो इफेक्ट है डैम्स का। अगला है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इमिशन। द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम रिजर्वायर ड्यू टू रोटिंग वेजिटेशन एंड कार्बन इनफ्लो फ्रॉम द कैचमेंट इज अ रिसेंटली आइडेंटिफाइड इकोसिस्टम इफेक्ट ऑफ स्टोरेज डैम। ग्रीन हाउस इमिशन जो गैसेज होती है जो कि आजकल जो है देखा गया है कि ये रिजर्वायर से जो है इमिट होती हैं काफ़ी हाई अमाउंट में, ठीक है, ड्यू टू रोटिंग वेजिटेशन यानी कि जो वेजिटेशन होती है, जो पौधे वगैरह होते हैं जो कि जो है गल सड़ जाते हैं डैम के अंदर, ठीक है, या रिजर्वायर के अंदर। तो उस वजह से हमारे पास काफ़ी हाई अमाउंट में जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिट होती है स्टोरेज डैम से। A first estimate suggests that the gross emission from reservoir may account for between 1% and 28% of the global warming potential of the greenhouse gases emission. एक estimate जो है लगाया गया है कि ये तकरीबन जो है 1% से लेकर तकरीबन 28% तक जो है जो global warming potential है उसमें जो है ये जो है जो reservoir gas emission है ये उसमें जो है account होती है। This challenges the conventional wisdom that hydropower produces only positive atmospheric effect such as reduction in emission of carbon dioxide, nitrous oxide, sulfuric oxide and particulates when compared with power generation sources that burn fossil fuel. So kyunki humne jo hai padha ki hamare paas jo storage gases jo storage dams hote hain ya reservoir hote hain usse kaafi amount mein jo hai greenhouse gases jo hai emit hoti hai। तो ये हमारे जो कन्वेंशनल जो हमने कन्वेंशनल जो है पढ़ा के नॉर्मली जो है हाइड्रो पावर प्रोड्यूस जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, तो ये इसको जो है गलत साबित करता है क्योंकि हमारे पास जो है ये काफ़ी अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिट करता है जो कि दूसरे जो हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम इनर्जी जो या पावर जो है जनरेट करते हैं उसके मुकाबले में जब हम वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इफेक्टिव है लेकिन जो है एक्चुअली ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये भी काफ़ी अमाउंट में जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिट करता है। इट आल्सो इम्प्लाइज दैट ऑल रिजर्वायर नॉट ओनली हाइड्रो पावर रिजर्वायर इमिट्स ग्रीन हाउस गैसेज, कंसिक्यूटिव रिजर्वायर एंड कैचमेंट एंड रिजर्वायर एंड engagement characteristics must be investigated to find out the likely level of the greenhouse gases emission. So आपने जब भी आप कोई रिजर्वायर जो है कंस्ट्रक्ट करते हो तो पहले जो है आपने उसके काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेट करना होगा, ठीक है, ताकि जो है पता चल सके कि कितना क्वान्टिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ये जो है इमिट करता है और उसको जो है कम करने के लिए आपने कौन कौन से इकदाम जो है उठाने होंगे। अगला है डाउनस्ट्रीम एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। स्टोरेज डैम्स आर इंटेंडेड टू अल्टर द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइमिंग ऑफ स्ट्रीम फ्लो। जो स्टोरेज डैम्स है ये जो है हमारा जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन और टाइमिंग है स्ट्रीम फ्लो का उसको जो है अल्टर करता है, मुतासर करता है। दे कम्प्रोमाइज द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर दैट आर फंडामेंटल टू मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। और साथ ही साथ जब हम कोई स्टोरेज डैम बनाते हैं तो ये हमारे पास जो रिवर के एस्पेक्ट्स होते हैं या जो डायनेमिक एस्पेक्ट्स होते हैं तो ये उनके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं, और हमारे पास जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी कि जो समंदरी इकोसिस्टम है उसको जो है मुतासर करता है। नेचुरल रिवर्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड स्पीशीज आर अ फंक्शन ऑफ द फ्लो। द क्वान्टिटी ऑफ करेक्ट एंड करेक्टर ऑफ द सेडिमेंट इन मोशन थ्रू द चैनल एंड द करेक्टर और कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल दैट मेक अप द बेड एंड बैंक्स ऑफ द चैनल। जो नेचुरल रिवर्स है और उसके जो हैबिटेट है और उसके अंदर जो स्पीशीज है
तो वो जो है नॉर्मली जो है हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर जो है डिपेंड करता है, यानी कि ये जो सारे जो नेचुरल रिवर्स है और उसके अंदर जो स्पीशीज जो है लिव करते हैं, यानी कि फिश वगैरह जो है, ये जो है हमारे पास फ्लो के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ जो है जो क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स है जो कि मूव करते हैं चैनल्स के थ्रू जो है, और वो एक जगह से दूसरी तरफ जो है मूव करते हैं, और साथ ही साथ जो है जो बेड के चैनल बेड है वहाँ पर जो है डिपॉजिट होते रहते हैं। द डिफाइनिंग रिवर डिस्चार्ज इंक्लूड्स बोथ हाई एंड लो एलिमेंट्स, और जो डिफाइनिंग रिवर डिस्चार्ज है उनमें ये दोनों जो है बोथ भी हाई भी है और लो फ्लो एलिमेंट जो है दोनों जो है ये हमारे पास जो है कैलकुलेट होते हैं या अकाउंट होते हैं। अगला है इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फ्लो रिजीम। फ्लो रिजीम्स आर द की ड्राइविंग वेरिएबल फॉर डाउनस्ट्रीम एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो फ्लो है हमारे पास ये की पॉइंट है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, जो कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ मूव करते हैं या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फ्लड टाइमिंग ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी आदि आर ऑल क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग डाउनस्ट्रीम। जो फ्लड टाइमिंग है उसकी जो ड्यूरेशन है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी जो है क्रिटिकल है सर्वाइवर के लिए, जो कम्युनिटीज जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है रहती है या जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो कम्युनिटीज है या जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, तो ये जो है उसकी जो है जो फ्लड टाइमिंग ड्यूरेशन है तो ये उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। लेकिन जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसकी वजह से जो है इसका जो टाइमिंग है फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कि नॉर्मली जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो सर्वाइवल कम्युनिटीज है जिस तरह प्लांट्स एनिमल्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए ठीक है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर, तो वो काफ़ी इस वजह से जो है इफेक्ट हो जाते हैं। स्मॉल फ्लड इवेंट्स में एक्ट एज ए बायोलॉजिकल ट्रिगर फॉर फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स माइग्रेशन। जो स्मॉल फ्लड्स होते हैं नॉर्मली जो है ये जो है बायोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं फिशेज के लिए और इनवर्टिब्रेट्स की माइग्रेशन के लिए, यानी कि जब स्मॉल फ्लड्स आते हैं तो जो फिशेज है या इनवर्ट स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं तो ये नॉर्मली ये जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन करती हैं। लेकिन यही माइग्रेशन जब आप डैम वगैरह बनाते हो तो उसकी वजह से, चूंकि जब हम डैम बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो फ्लड्स होते हैं तो वो रुक जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट इनकी जो माइग्रेशन होती है तो वो भी रुक जाती है, और एज ए रिजल्ट इनकी जो नशनुमा होती है तो वो सही तरीके से नहीं हो सकती। मेजर इवेंट्स क्रिएट एंड मेंटेन हैबिटेट्स बाय स्कोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स। द नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ मोस्ट रिवर सिस्टम सस्टेन कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कम्युनिटीज दैट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज एडाप्टेड टू द स्टेबल फ्लो एंड कंडीशन ऑफ अ रेगुलेटेड रिवर। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है, मिसाल के तौर मीन्स के हमारे पास बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल फीचर्स है या स्पीशीज है जो कि नॉर्मली डिपेंड करती है वाटर के फ्लो के ऊपर, यानी कि जब पानी का जो है फ्लो कर रहा होता है रिवर में तो वो जो है उनकी नशोनुमा सही तरीके से हो रही होती है, ना कि अगर आपके पास पानी स्टेबल है कड़ा है, अगर आप डैम बनाते हो तो पानी जो है आप कड़ा कर देते हो ठीक है पानी स्टॉप हो जाता है इसका फ्लो, तो उसमें इसकी जो नशोनुमा है या अफजाइश है तो वो उस तरीके से नहीं हो सकती। वाटर टेम्परेचर एंड केमिस्ट्री आर अल्टर्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वाटर स्टोरेज। साथ ही साथ आपके पास जो वाटर जब आपके पास खड़ा हो जाता है आप जब वाटर स्टोर करते हो तो साथ ही साथ उसके वाटर का टेम्परेचर और उसकी जो केमिस्ट्री यानी कि उसकी जो केमिकल का पोजीशन है तो वो भी साथ में जो है चेंज हो जाती है। फ्लोइंग वाटर का जो कंपोजिशन है वो अलग होता है, उसमें काफ़ी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सेडिमेंट्स वगैरह, और बहुत जगहों से वो गुजर कर उसके अंदर बहुत सारी जो है चेंजेस होती रहती है। लेकिन जब आप पानी आपके पास खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो है उसके जो टेम्परेचर वगैरह है उसकी जो केमिस्ट्री है मीन्स की जो फीमेल का पोजीशन है तो वो चेंज हो जाता है, तो रिजल्ट आपके पास जो लिविंग स्पीशीज है तो वो उसके लिए जो है खतरा बन जाता है।
अगला है इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रिपिंग सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स बिहाइंड अ डैम। द रिडक्शन इन सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट इन रिवर डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम हैज इंपैक्ट ऑन चैनल फ्लड प्लेन एंड कोस्टल डेल्टा मॉर्फोलॉजी एंड कॉजेज द लॉस ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट ऑफ फिश एंड अदर स्पीशीज। जब आप जो है डैम बनाते हो तो आपके पास जो है जो रिवर में सेडिमेंट्स होते हैं तो वो आके वहां पर जो है रुक जाते हैं, तो उस वजह से क्योंकि वाटर जो है फ्लो नहीं कर रहा था, वाटर जो है स्टॉप हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो सेडिमेंट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जब आप रिवर फ्लो करता है तो वो अपने साथ जो है सेडिमेंट्स और उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर उसको मूव करते हैं, लेकिन डैम की वजह से वो सारे जो है रुक जाते हैं। चेंजेस इन रिवर वाटर टर्बिडिटी में इफेक्ट बायोडाटा डायरेक्टली, साथ ही साथ जो है रिवर की वाटर की टर्बिडिटी में भी जो है इफेक्ट आ जाता है, जो कि बायो जो साथ ही साथ उसके साथ जो बायो जो एनिमल है बायोलॉजिकल क्रीचर्स है या एनिमल है तो वो डायरेक्टली जो है उससे इफेक्ट होते हैं वाटर की टर्बिडिटी से। रिडक्शन इन सेडिमेंट्स मूविंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द डैम लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ रिवर चैनल। साथ ही साथ अगर आपके पास सेडिमेंट्स में जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है अगर रिडक्शन आ जाए तो ये जो है एज ए रिजल्ट आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर रिवर चैनल है तो ये उसमें जो है डिग्रेडेशन जो है कॉज करता है। अगला है ब्लॉकिंग माइग्रेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। As a physical barrier, the dam disrupts the movement of species, leading to changes in upstream and downstream species composition and even species loss. हमारे पास जब एक डैम जो है वो फिजिकल बैरियर है जिसकी वजह से जो है स्पीशीज की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जब मूव करती है जो स्पीशीज मूव करते हैं उसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट उनकी जो कंपोजिशन है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर तो उसमें भी जो है काफ़ी चेंजेस आ जाती है और साथ ही साथ जो है बहुत सारी स्पीशीज जो है उसमें ख़त्म भी हो जाती है। The WCD survey found that impending the passage of migratory fish species was the most significant ecosystem impact recorded at a over 60% of the project for which the response on environmental issues were given. In 36% of these cases, the impact of the large dam on migratory fish was not anticipated during project planning. Migratory fish require different environment for the main phase of their life cycle, the production of juvenile growth and sexual maturation. Many anadromous fish means the fishes which born in freshwater population have died out as a result of dams blocking their migratory routes. हमारे पास जो है बहुत सारी जो है फिशेस होती है वो जो है उनका जो अफजाइश होती है तो वो फ्रेश वाटर में जो है होती है, लेकिन डैम की वजह से हमारे पास चूंकि वाटर जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट उसके जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जो फिशेस होती है जो कि फ्रेश वाटर में जो है जिंदा रहती है तो उनकी जो पॉपुलेशन हो जाती होती है तो वो नॉर्मली जो है ख़त्म हो जाती है क्योंकि डैम की वजह से हमारे पास जो फ्लो ऑफ वाटर है तो वो ब्लॉक हो जाता है, एज ए रिजल्ट आगे पास उसकी जो अफजाइश होती है वो नहीं होती। नेक्स्ट है डैम्स एंड वाटर क्वालिटी। द केमिकल टर्मोइल एंड फिजिकल चेंजेस व्हिच फ्लोइंग वाटर अंडरगोज व्हेन इट इज स्टिल कैन सीरियसली कंटामिनेट अ रिजर्वायर एट द रिवर डाउनस्ट्रीम। हमारे पास जो केमिकल टर्मोइल और फिजिकल चेंजेस है फ्लोइंग वाटर के अंदर जब अंडरगोज होती है यानी कि रोनुमा होती है तो उस वजह से हमारे पास जो है सीरियसली कंटेमिनेशन जो है रिजर्वायर के अंदर जो है कॉज होती है। The extent of deterioration in water quality is in general related to the retention time of the reservoir. Water के अंदर जो changes आती है, deterioration आती है water quality में, तो वो normally जो है या generally depend करता है retention time के ऊपर,
ये रिजर्वायर के अंदर पानी कितने टाइम तक जो है खड़ा रहता है, स्टोरेज कैपेसिटी, साथ ही साथ स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू हेड। वाटर इन अ स्मॉल हेड पॉन्ड बिहाइंड अ रन ऑफ रिवर डैम विल अंडरगो वेरी लिटिल और नो डिटोरिएशन दैट स्टोर्ड फॉर मेनी मंथ्स और इवन ईयर बिहाइंड अ मेजर डैम मे बी लिटिल टू मोस्ट लाइफ in the reservoir and in the river for tens of kilometers or more below the dam. तो जितने टाइम तक जो है पानी जो है अगर आपके पास जो है ज़्यादा जो है पानी जो है ज़्यादा टाइम के लिए कड़ा रहता है तो उसकी वजह से जो deterioration है पानी के अंदर यानी कि उसकी जो quality changes होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो result उसके अंदर उस पानी के अंदर जो living species है तो उनका जो ग्रोथ है तो उससे इफेक्ट होता है और रिजल्ट उसकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है। वाटर रिलीज फ्रॉम डीप इन अ रिजर्वायर बिहाइंड अ हाई डैम इज यूजुअली कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन रिवर वाटर, व्हाइल वाटर फ्रॉम आउटलेट्स नियर द टॉप ऑफ अ रिजर्वायर विल टेंड टू बी वार्मर देन वाटर रिवर वाटर ऑल अराउंड हमारे पास जो वाटर जो है जो डीप रिजर्वायर से हम रिलीज करते हैं नॉर्मली बिहाइंड द डैम वो यूजुअली कूलर होता है समर के अंदर जबकि वार्मर होता है विंटर के अंदर, जबकि जो वाटर है फ्रॉम द आउटलेट नियर द टॉप ऑफ द रिजर्वायर वो जो है हमारे पास नॉर्मली जो है गर्म होता है तो उस वजह से हमारे पास जो है उसका जो हैबिटेट है या उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। Warming or cooling of natural river affects the amount of dissolved oxygen and suspended soil. तो हमारे पास ऊपर जो है बाजों का जो है ऊपर गर्म होता है नीचे ठंडा होता है तो एज ए रिजल्ट इस वजह से हमारे पास इस कूलिंग और वार्मिंग के नतीजे हमारे पास जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है रिवर वाटर के अंदर तो वो जो है उससे एक इफेक्ट होती है। साथ ही साथ जो है हमारे पास ये अल्टरिंग नेचुरल सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर कैन आल्सो डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्वेटिक क्रिएचर, और इस जो नेचुरल सीजनिंग की वजह से यानी कि जब हमारे पास जो जो पानी जो है गर्म होता है और ठंडा होता है नेचुरल सीजनिंग की वजह से तो उस वजह से हमारे पास जो लाइफ एक्वेटिक क्रिएचर्स की लाइफ साइकिल है तो उसे डिस्टर्ब होती है। नॉर्मली जो रिवर वाटर है जब वो फ्लो करता है तो वो जो है ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जब आप उस पानी को जो है कड़ा कर देते हो डैम के थ्रू ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम तो उस वजह से जो है उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो उसके उसमें जो है चेंज आता है बिकॉज सीजनल चेंजेस की वजह से उसकी वो जो है गर्म और ठंडा होता रहता है तो उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आती है। आखिरी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड लेवलीहुड, an estimated 40 to 80 million people have been displaced by dam worldwide. hamare paas estimated jo hai 40 to 80 million people jo hai displaced hue hai dam ki construction ki wajah se worldwide, yet mitigation compensation and settlement attempts are often inadequate. lekin inki jo compensation hai ya settlement attempts hai wo abhi bhi jo hai nakaafi hai ya inadequate. So this is the end of our today's lecture. Abu Ghar, if you have any question, then kindly ask. Hello. Here, your lecture has been completed. Which is environmental impact of dams. If you have any question, then kindly ask so that I can answer. अतःवल्ला वाटर केमिस्ट्री जो है इस तरह चेंज होती है कि नॉर्मली जो है जब वाटर फ्लो करता है तो वो जो है ठंडा रहता है, ठीक है, जब आप पानी को जो है कड़ा कर देते हो तो आपके जब उसके ऊपर जो है सीजनिंग जो सीजनिंग इफेक्ट है वो काफ़ी असरअंदाज होता है। जब मौसम गर्म होता है तो पानी जब कड़ा रहता है तो वो उसके साथ जो है गर्म होता रहता है और जब मौसम ऊपर सर्द होता है तो वो भी सर्द हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट इस वार्मिंग और कूलिंग के दौरान जो है बहुत सारी केमिकल चेंजेस जो है उसके अंदर जो है होती रहती है। साथ ही साथ जब आपके पास वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर जो है
आपके पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि जो गैसेज वगैरह होती है तो वो जो है उसके अंदर जो है उसे इमिट नहीं होती, लेकिन जब भी पानी आपके पास जो है खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो आपके पास जो लकड़ियाँ वगैरह है और पौधे वगैरह है तो उसके साथ अंदर जो है गल सड़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो है उसका जो किया उसकी जो केमिस्ट्री है या केमिकल का पोजीशन है तो वो से जो है चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जो है उसकी वाटर की केमिस्ट्री जो है चेंज होती रहती है अगर आप वाटर को जो है स्टिल रखते हो, लेकिन अगर रिवर के अंदर वाटर जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो है कोई चेंजेस खास चेंजेस जो है रोनुमा नहीं होती। क्लियर है? जी, किसी का कोई और क्वेश्चन होता है जो पूछे? जी, ये WCD सर्वे क्या होता है सर? तावला का क्वेश्चन है WCD। तो WCD जो है वाटर कंट्रोल जो है सर्वे है जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो वाटर जो है फ्लो करता है, ठीक है, रिवर के अंदर, और या जब आपके पास जो है आप डैम बनाते हो उसकी वजह से जो है उसके ऊपर जो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं तो उसको जो है हम इस सर्वे के अंदर जो है उसको हम स्टडी करते हैं। तो उस सर्वे को जो है हम वाटर WCD यानी वाटर कंट्रोल सर्वे इसको हम कहते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन अगर ना हो तो वो ये कर सकता है, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग लीव कर लें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है।